हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सबाना फैशन डिजाइनर में आपका स्वागत है। यहाँ हम बनाने वाले हैं गरारा, अम्ब्रेला गरारा। तो यहाँ हम कपड़े को चार फोल्ड में कर लेते हैं और 2 इंच हम छोड़ा है यहाँ बेल्ट के लिए, और इसकी लंबाई हम रखेंगे 8 इंच। तो बराबर निशान मिला देंगे और इधर हम रखेंगे 7 इंच। इधर हम रख रहे हैं 6.5 इंच और इसे हम 1/2 इंच मार्जिन को छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे। अब इसको हम अच्छे से कट कर लेंगे। यहाँ हम निशान के ऊपर से ही कट कर लेंगे। यहाँ हम नीचे के मोहरी रखेंगे 7.5 इंच। अब हमें इसमें नीचे का अम्ब्रेला कट करना है घेरा के लिए, तो यहाँ हम इसको भी 4 फोल्ड में कर लेंगे अच्छे से। और फिर हम ऊपर निशान लगाएंगे गोलाई से। यहाँ से हम रख के नाप लेंगे इसको, ये हम यहाँ निशान लगा लेंगे। ये हमारा 7 इंच था, ऐसे हम कर नापेंगे तो हमारा ज़्यादा आएगा, तो हमारा आना चाहिए 7.5 इंच। तो हम इसको नाप लेंगे 7.5 इंच, तो ये हमारा गोलाई से हमें नापना है 7.5 इंच। तो यहाँ हम गोलाई से नापेंगे तो ये हमारा ज़्यादा है। यहाँ हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम मिला देंगे, और अब हमारा 7.5 इंच आ गया। वो हमें नहीं कट करना, यहाँ से हमें कट करना है। यहाँ से हमने कट कर लिया और अब हमें नीचे निशान लंबाई के लिए लेना है। यहाँ हम रखेंगे 12.5 इंच। तो ये हम ऐसे ही गोलाई से हम 12.5 इंच नापते हुए गोल निशान लगा लेंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया। तो अब हमें इसे कट कर लेना है। यहाँ से हम कट करते हैं। पूरी कटिंग कर लेते हैं। और इधर हमें साइड से भी कट कर लेना है। ये एक तरफ से हम साइड से कट कर लेंगे, ये हमारा 2 पार्ट हो जाएगा, एक दोनों पैर के लिए। इसको हम ऐसे जॉइंट करेंगे, ये हमारा एक पैर का होगा और इधर भी ये, इसको भी ऐसे जॉइंट कर लेंगे तो ये हमारा एक पैर का हो जाएगा। तो चलिए हम इसकी सिलाई करते हैं। यहाँ हम करेंगे इसकी सिलाई। हम सबसे पहले इसे घेरे को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ हम इसको जॉइंट कर रहे हैं। यहाँ हमने जॉइंट कर लिया है।
अब हमें इसी ज्वाइंट के ऊपर से एक सिलाई चलानी है ऊपर से। यह हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारा हो गया तैयार। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को भी ज्वाइन करेंगे। इसे भी हम ज्वाइन कर लिए और अब हम दोनों को मिला के आसन ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ हम आसन को ज्वाइन कर लेते हैं। हमारी सीधा जो पार्ट है हमारा वो अंदर की साइड रहेगा, बाहर की साइड दोनों हमारे सिलाई का वाला रहेगा उल्टा साइड। यहाँ हम सिलाई कर लेते हैं दोनों तरफ से, इसको आसन सिल लेंगे। यहाँ हमने आसन सिल लिया है और अब हम इसको सही करेंगे और इसको हम नेफे को फोल्ड करेंगे। तो चलिए हम नेफा फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ हम आधा इंच दबाते हुए इसको 2 इंच पे हम सिल देंगे। पूरा गोलाई से हमें ऐसे ही नेफा फोल्ड करना है और लास्ट में हमें थोड़ा सा छोड़ देना है ताकि हम उसमें लास्टिंग डाल सकें। यहाँ हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है। यहाँ से हम लास्टिंग डालेंगे और अब हम यहाँ इसको नीचे से भी ज्वाइंट कर देंगे पूरा। यहाँ हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ से हम डबल सिलाई से चला देंगे। ये हमारा हो गया और अब हम इसमें नीचे घेरे में फोल्ड कर देंगे ताकि ये आप फोल्ड कर सकती हैं चारों तरफ। मैं यहाँ फोल्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पीको करवाना है। यहाँ मैं पीको करूँगी। अब हम इसमें डाल लेते हैं इलास्टिक। यहाँ हम सेफ्टी पिन से प्लास्टिक डाल रहे हैं। यहाँ हमने प्लास्टिक डाल ली है, इसको अच्छे से फैला लेंगे और अब यहाँ हम जितनी हमें इलास्टिक चाहिए उतनी हम कट कर लेंगे। यहाँ से हम कट कर लेंगे और अब हम यहाँ पे लगा लेंगे सिलाई। ये हमारा सिल गया और अब हम इसमें जो हमने छोड़ा था वहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसे हम अच्छे से इलास्टिक को फैला लेंगे और
इलास्टिक के बीचों बीच में हम एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी इलास्टिक इधर उधर घूमे ना, अच्छे से फिक्स हो जाए। तो ये मैंने अपने बेटी के लिए बनाया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी ये वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और समझ में आया हो या ना आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।